नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एट नाइन। दिल्ली की सीमाओं पर बीते दो महीने से भी ज्यादा समय से चल रहा किसान आंदोलन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। किसान आंदोलन को कई विदेशी नेता, अभिनेता, कलाकार, एक्टिविस्ट आदि का समर्थन मिल रहा है। हालांकि इसे काउंटर करने के लिए विदेश मंत्रालय ने बिना मुद्दे को समझे उस पर टिप्पणी करने से बचने की नसीहत इन लोगों को दी है। कृषि कानूनों के लागू होने के बाद आंदोलन पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी पर ही केंद्रित दिख रहा था। 26 जनवरी को हुई हिंसा और अन्य सिलसिलेवार घटनाक्रमों ने किसान आंदोलन का एपिसेंटर गाजीपुर बॉर्डर को बना दिया। इसके बाद कई राजनीतिक पार्टियों ने आंदोलन की ओर रुख कर लिया, जिसकी वजह से इन किसान नेताओं का दायरा बढ़ता जा रहा है। किसान राजनीतिक दलों का समर्थन मिलने के बाद किसान आंदोलन के अन्य राज्यों में फैलने और प्रभाव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में जहां कई नेता आंदोलन में जाकर किसान नेताओं से मिल रहे हैं, तो वहीं आज पूर्व सांसद और जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने गाजीपुर बॉर्डर पहुंच राकेश टिकैत से मुलाकात की है। इस दौरान पप्पू यादव सरकार पर पूरी तरह से हमलावर दिखे। ये बताइए, किस दिशा में जा रहा है? लॉक की स्थिति तो दोबारा बन गई है। ये भैया नचनिया बजनिया सब के मार्फत इतना डरी और सहमी सरकार है, इतना खतरनाक सरकार जो डर गई हो, जो कील जो चीन का बॉर्डर और पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया, इसको इसका 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 बॉर्डर बना दिया। आप इसको आप देखो, अब इसको आतंकवादी और उग्रवादी नजर कोई नहीं आता। सर, इसी चीज़ पर बताइए, आतंकवादी अब नजर आता है किसान। सर, जहां एक तरफ किसानों से बात होनी चाहिए, किसानों के पास तक पहुंचना चाहिए सरकार को, लेकिन जो नैरेटिव है वो दूसरा बनाया जा रहा है कि ये आतंकवादी हैं तो खालिस्तानी है, इसके पीछे क्या वजह? मुझे तो समझ में नहीं आता। फूट डालो शासन करने वाली जो ईस्ट इंडिया की रूल थी, इन्होंने पहले मराठी गुजराती, मराठी गैर मराठी किया, फिर पटेल गैर पटेल गुजरात में किया, फिर जाट गैर जाट हरियाणा में किया, सिख गैर सिख किया, फिर ये बंगाली गैर बंगाली किया, पहले बीच में ये हिंदू मुसलमान किया, तब दलित गैर दलित किया, अब ये किसानों को आतंकवादी उन्मादी। साजिश कौन रचे? हमेशा जब साजिश में ये कामयाब नहीं हुए तो इन्होंने पैदा किया अपने साजिशकर्ता को, और जिसके माध्यम से आईटीओ पर ये ले गए, और हालात उन्होंने गाली दिलवाने की कोशिश जो दुनिया ने देख ली। आज लोकतंत्र में हर जगह विरोध इनका हो रहा है, पूरा दुनिया में लोकतंत्र बचाने, सेव लोकतंत्र। सर, इस तरह की बातें भी काफ़ी चर्चा में है कि 26 जनवरी के बाद से थोड़ा सा राजनीति एंगल भी घुस गया है इसमें। भैया 26 जनवरी को तो जिस तरीके से इन्होंने किया ना, पूरी दुनिया ने देखी है कि हालात क्या है। उसके बाद ये जो नचनिया बजनिया आज ट्वीट कर रहे हैं, इनके इश्क और मुश्क वाले, जिनका अपना कोई चरित्र ही नहीं है, कैरेक्टर नहीं है। 180 किसान मर गए तब ट्वीट नहीं हुआ, जब 81 दिनों से किसान यहाँ बैठे हुए हैं तब ट्वीट नहीं हुआ। कंगना रनावत की बात कर रहे हैं सर, सब किधर? जब सब की बात हम कर रहे हैं तो कंगना आंगना चंगना, अंगना चंगना कंगना। अच्छा, ये बताइए कौन सी है चंगना कंगना? अच्छा, ये बताइए सर, सब नचनिया बजनिया की बात हम कर रहे हैं। 26 जनवरी को जो भी हिंसा हुई उसके पीछे आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? सर, ये जिम्मेदार सरकार को, सरकार ने साजिश रची, आईटीओ में ले जाने का काम सरकार ने किया, दुकाने का काम सरकार ने किया, कोई राष्ट्रीय झंडा को छुआ क्या? का एक पंथ का झंडा आपने थोड़ा सा लगा, एक पंथ की झंडे लगी, आपने तो पहले राजस्थान में झंडा लगा दिया था हाईकोर्ट पे। अब आगे क्या सर, क्या होगा? अब आगे क्या करो और मरो, 2900 रुपया कृषि को उद्योग का दर्जा, ये नचनिया बजनिया से डरेंगे? ये अमेरिका में जा करके बोला अब की बात ट्रंप सरकार, ये पाठ पढ़ा रहे हैं हैं? बात क्यों नहीं बन रही है बताइए, बात क्यों नहीं बन रही किसान और सरकार के बीच में? इससे घाटा तो सरकार को ही होता दिख रहा है। पतियों को समझिए ना, पूंजीपति के की दलाली जब हम करेंगे तो किसानों का कहाँ से बात बनेगा? आप गरीबों की बात नहीं करोगे तो बात कहां से बनेगा? 2024 लोकसभा चुनाव से पहले देश के करीब 20 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। कुछ ही महीने में पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद भाजपा के लिए स्थितियां बदल सकती हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन किसान आंदोलन का असर भाजपा की राजनीति पर पड़ना तय माना जा रहा है। ऐसे में किसान आंदोलन की वजह से भाजपा को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, सीधे और स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो किसान आंदोलन की नियति पर भाजपा का भविष्य टिका हुआ है। किसान आंदोलन कर रहे संगठनों की मांग है कि मोदी सरकार के तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए और एमएसपी के लिए गारंटी कानून बनाया जाए। मोदी सरकार इस मामले पर झुकती नजर आ रही है।
तो उसे सीधे तौर पर 3 राज्यों पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं अगर सरकार अपना रुख नहीं बदलती तो भाजपा के लिए स्थितियां पूरी तरह से बदल सकती हैं। अगर किसान आंदोलन आगे चलकर देश भर में व्यापक स्तर पर बढ़ता है तो भाजपा के लिए आने वाले सभी चुनाव मुश्किल हो सकते हैं। भारत में हर साल किसी न किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होते ही हैं। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुंडिचेरी में कुछ राज्य महीनों के अंदर चुनाव होने हैं। इन राज्यों में से केवल एक राज्य असम में भाजपा की सरकार है, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, केरल में कम्युनिस्ट पार्टियों के गठबंधन से पिनरई विजयन, तमिलनाडु में पलानीस्वामी मुख्यमंत्री है, पुंडिचेरी में कांग्रेस की ओर से वी नारायण स्वामी सीएम है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में करिश्मा करने के प्रयास में जुटी भाजपा को किसान आंदोलन की वजह से एक बड़ा झटका मिल सकता है। राज्य में ममता बनर्जी पहले से ही भाजपा को लेकर हमलावर रही हैं। किसान आंदोलन के मद्देनजर ममता बनर्जी ने भाजपा को किसान विरोधी साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। कांग्रेस और वाम दलों का गठबंधन भी बंगाल में किसानों को भाजपा के खिलाफ करने की तैयारियों में जुट चुका है। बंगाल में अगर भारत भाजपा विरोधी माहौल बन गया तो पार्टी का बंगाल विजय का सपना अधूरा रह जाएगा। केरल में भाजपा के पास कोई खास जनाधार है नहीं, ऐसे में भाजपा को यहां कुछ नुकसान नहीं होगा। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को केवल एक सीट पर ही जीत नसीब हुई थी। असम की बात करें तो यहां भाजपा के सामने सत्ता में दोबारा लौटने की चुनौती है। कांग्रेस और अन्य पार्टियों के लिए किसान यहां भी एक प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। तमिलनाडु में AIDMK के साथ भाजपा का गठबंधन है। राज्य में किसान आंदोलन का कुछ खास प्रभाव फिलहाल नजर नहीं आता, लेकिन जयललिता के निधन के बाद यहां चुनावी तस्वीर बदल सकती है। तमिलनाडु में DMK के इस गठबंधन को कड़ी टक्कर देगा। अगर इस गठबंधन के विरोध में चुनाव नतीजे आते हैं तो इसे सत्ता विरोधी लहर भी कहा जा सकता है। पुडुचेरी में भाजपा का खाता इस बार भी खुलने के आसार नजर नहीं आते। इन राज्यों से इतर 2022 के शुरुआती महीनों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश को अलग रखा जाए तो अन्य 4 राज्यों में भाजपा का सीधा मुकाबला कांग्रेस से होगा। पंजाब किसान आंदोलन की वजह से अकाली दल ने भाजपा नीत NDA का साथ पहले ही छोड़ दिया है। कांग्रेस सरकार के CM अमरिंदर सिंह और आम आदमी पार्टी शुरुआत से ही किसानों का समर्थन करती रही हैं। अगर ये कहा जाए कि किसान आंदोलन में मुख्य रूप से पंजाब के किसान जुड़े हैं तो गलत नहीं होगा। अकाली दल का साथ छूटने के बाद भाजपा पंजाब में अकेली नजर आ रही है। भाजपा ने उसे नुकसान होना लगभग तय माना जा रहा है। ये उन राज्यों की बात कर रहा हूं मैं। उत्तराखंड में मुख्य विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस किसानों का खुलकर साथ दे रही है। वहीं गोवा और मणिपुर में भी कमोवेश यही हाल है। इन राज्यों में किसानों की भूमिका उतनी बड़ी नहीं होगी, लेकिन भाजपा को नुकसान पहुंचाने के लिए इतना ही फिलहाल काफी नजर आता है। देश के सबसे बड़े राज्य की उत्तर प्रदेश की बात करें, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन की भूमिका बहुत बड़ी होती जा रही है। किसान आंदोलन में प्रमुख रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान शामिल हो रहे हैं। ऐसे में इस क्षेत्र की 44 विधानसभा सीटों पर भाजपा के लिए खतरे की घंटी बज रही है। जाट बहुल पश्चिम उत्तर प्रदेश में करीब 20 विधानसभा सीटों पर जीत की चाबी जाट मतदाताओं के हाथ में है। यूपी में एक जो बड़ी आबादी है, यूपी की एक बड़ी आबादी गांव और किसानी से जुड़ी है। ऐसे में अगर किसान आंदोलन का नतीजा किसानों के पक्ष में नहीं आया तो सूबे की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन देखने की उम्मीद की जा सकती है। 2022 के अंतिम महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात के साथ हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। यहां भी भाजपा का सीधा मुकाबला कांग्रेस से होगा। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनावों में भाजपा को 99 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं 2012 में भाजपा ने 115 सीटों पर जीत हासिल की थी। गुजरात में भाजपा की सीटें बीते 2 चुनाव में लगातार कम हुई हैं। किसान आंदोलन का मामला गुजरात की राजनीति में भी बड़ा असर डाल सकता है। भाजपा का सर्वाधिक प्रिय राज्य गुजरात इस बार पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हिमाचल प्रदेश की बात की रहे तो यहां के मतदाता 1985 के बाद से ही हर विधानसभा चुनाव में सरकार बदल देते हैं। राज्य में वर्तमान भाजपा सरकार के सामने मतदाताओं के इस ट्रेंड को बदलने की चुनौती तो होगी ही, साथ ही किसान आंदोलन का नतीजा भी यहां के नतीजे को बदल सकता है। अब 2023 के चुनावी मौसम की शुरुआत पूर्वोत्तर के 3 राज्यों मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा से होगी। कुछ ही महीनों के अंतराल में कर्नाटक में चुनाव होंगे। दिसंबर 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव होने हैं। इन राज्यों के चुनावों को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल मैच कहा जा सकता है। अगर इन राज्यों में भाजपा का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा तो 2024 के आम चुनाव की राह भाजपा के लिए कठिन हो सकती है। ऐसे में माना जा सकता है कि सत्ता के इस क्रिकेट मैच में किसान आंदोलन थर्ड अंपायर की भूमिका निभाएगा। बाहर बैठकर भी राजनीति के इस खेल को पूरी तरह से नियंत्रित करने वाला रिमोट किसान आंदोलन के पास है। धन्यवाद।